हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द क्लास। सभी बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट से, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। आइए सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। हाँ जी, लाइव आइए सभी बच्चे फटाफट। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों, वो होगी पार्ट नंबर 4, जो हम 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है आप सभी के लिए। तो फटाफट से लाइव आइए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 4। तो चलिए, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं इट्स ओके, बाकी बच्चे ही फटाफट से लाइव आइए। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए कि इनडाइजेस्टिव एक्टिविटी, प्रोटीन कन्वर्ट इंटू, आपको बताना है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी कि पाचन होता है, उस टाइम प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है, ब्रेक डाउन है, वो किसकी फॉर्म में होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन डी आपका रहेगा सुक्रोज। बताइए बच्चों, सुभाष फटाफट से आंसर कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। शाबाश, जल्दी से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो आपका आंसर रहेगा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है किसका, प्रोटीन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, बहुत सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि 6th 7th क्लास के बच्चे भी इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए शाबाश कि नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी, सेल, नेफ्रोस्टोम, साइटोन या फिर नेफ्रोन, आपको किडनी की सेल का नाम बताना है। बताइए शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, डी। जिन बच्चों ने आंसर डी क्लिक किया था उनका राइट आंसर है नेफ्रोन। एक तो होता है न्यूरोन और एक होता है नेफ्रोन बच्चों। एक वर्ड आपने सुना होगा न्यूरोन, न्यूरोन, ठीक है। जो न्यूरोन होता है यानी कि नर्व सेल्स, वो आपके ब्रेन की सेल्स का नाम होता है। ब्रेन की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन। और जो नेफ्रॉन होता है वो किसकी सेल्स या फिर किसकी यूनिट होती है, तो आप बताओगे किडनी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन, आपको बताना है कि जो ब्लड लिविंग, कि जब ब्लड लिव करता है वापस, तो टिश्यू बिकम रिचर, तो उस टाइम आपके जो टिश्यू है वो किससे रिच हो जाते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीमोग्लोबिन, फटाफट से आंसर कीजिए। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, लास्ट में हम स्कोर मेंशन करेंगे कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, यानी कि आउट ऑफ 14 क्वेश्चन रहेंगे आज के। तो 14 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोर है वो कौन से, किस बच्चे ने किया है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर, किससे रिच होते हैं आप बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब आपका ब्लड क्या करता है, लिविंग यानी कि लेकर आता है, कैरी करके लेकर आता है, तब किससे रिच होते हैं आपके टिश्यू, आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स,
आपको बताना है कि जो ऑलमोस्ट डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन से ऑर्गन्स में होता है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ टू एनस तक चलता है, सबको पता है। डाइजेशन जो होता है वो माउथ टू कहाँ चलता है बच्चों, एनस। यहाँ आपको बताना है कि माउथ टू एनस के बीच में जो जो ऑर्गन्स काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाकर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर पैनक्रियाज। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। अब जिन बच्चों ने आंसर किया था बी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उनका बिल्कुल सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा कि हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछा जाता है कि कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में, तो आप क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ ए पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस, अगर कोई पेशेंट कहाँ रखा हुआ है डायलिसिस के प्रोसेस के ऊपर, ही इज सफरिंग फ्रॉम एलिमेंट ऑफ द, तो आपको बताना है कि वो किस उसे सफर कर रहा है, कौन सा सिस्टम है जो उसका सफर कर रहा है उस टाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम होती है कि हम पेशेंट को किस पे रखते हैं, डायलिसिस पे रखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गन्स में काम करते हैं बताइए, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है कि डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब भी किडनी में प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो कौन काम करता है बच्चों, किडनी। और किडनी किसका काम करती है तो आप सबको पता है, फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का काम करती है किडनी, फिल्ट्रेशन का काम करती है, छानने का, ठीक है। और क्या बनाती है आप सबको पता है, यूरिया का निर्माण करती है, ठीक है, और उसको बाहर निकालती है, बॉडी से रिमूव करती है, और ब्लड में से क्या करती है, यूरिया को फिल्टर करती है। अगर किडनी फेल हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आती है किडनी के अंदर, तब किसका प्रोसेस, जब किडनी काम नहीं करती तो क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी बाय द, आपको बताना है कि जब ब्लड पंप करता है इंटायर बॉडी, हार्ट टू इंटायर बॉडी, मतलब आपके हार्ट से जब ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है, हार्ट टू ऑर्गन जब ब्लड फ्लो कर रहा है, तो कहाँ से पंप हो रहा है वो ब्लड, आपके एट्रिया से या यानी कि एट्रियम से या फिर आपके लंग्स से या फिर वेंट्रिकल्स या फिर नर्व्स, ठीक है। बताइए, शाबाश, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब ब्लड पंप हो रहा है आपके हार्ट टू इंटायर बॉडी, तो कौन से ऑप्शन जो है वहां से ब्लड पंप करता है, एट्रिया, लंग्स, वेंट्रिकल्स या फिर नर्व्स, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने आंसर सी किया था, जिन बच्चों का आंसर सी था, वेंट्रिकल्स, वो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, फोर चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट साइड और एक होता है हमारा लेफ्ट साइड। जो राइट साइड होती है उसमें आप सबको पता है क्या रहता है, अपर वाला जो पार्ट होता है आपका यूरिकल, ये भी यूरिकल, और नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है आपका बच्चों, वेंट्रिकल। और जब ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब कहाँ आता है, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है आपकी लार्जेस्ट अर्टरी जिसको कहते हैं अओर्टा, और अओर्टा से फिर स्मॉल छोटी छोटी अर्टरीज कनेक्ट होती है जो कि उस ब्लड को कहाँ पंप करती है बच्चों, हमारे सभी ऑर्गन्स तक पंप करती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए शाबाश इसका आंसर, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस इज, हमें पता है कि हम प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो किसके प्रोसेस में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। यहाँ आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है जो क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग राइट है, अब्जॉर्बिंग द लाइट, अब्जॉर्बिंग द वाटर, अब्जॉर्बिंग CO2 या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, किसमें हेल्प करता है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर, अब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट में, अब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, अब्जॉर्बिंग ऑफ CO2 या फिर नन ऑफ दीज। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कीजिए बच्चों।
देखते हैं हाईएस्ट स्कोर किसका रहेगा, कौन सा बच्चा है जो यहाँ हाईएस्ट स्कोर गेन करेगा। फटाफट से आंसर कीजिए, डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चा अब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है आपका क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ ही आपकी स्ट्रोमा ग्रेना नामक जो सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम क्या होता है, अब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो लाइट को अब्जॉर्ब करती है अपनी ओर खींच कर लेकर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब्जॉर्बिंग ऑफ द लाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मशीन इज इंसर्टेड इन ए हार्ट पेशेंट हुज हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मली। हमारा हार्ट हमें पता है क्या करता है, हार्ट बीट करता है, और एक नॉर्मल जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है, फटाफट से कमेंट कीजिए। एक नॉर्मल पर्सन की जो बीट है वो पर मिनट का जो रेट है वो कितना होता है, तो आप सबको पता है 72 टाइम्स होता है, ठीक है। यहाँ आपको बताना है कि अगर बीट नॉर्मली से काम नहीं कर रही है, नॉर्मली बीट नहीं कर रही है, तो उस टाइम कौन सा जो मशीन है वो इंसर्टेड किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, एक्सरे, पेसमेकर, अल्ट्रासाउंड या फिर डायलिसिस। अगर हार्ट की बीट में प्रॉब्लम है तो बच्चों कौन से मशीन को इंसर्ट किया जाता है, एक्सरे, पेसमेकर, अल्ट्रासाउंड या फिर डायलिसिस। हार्ट से रिलेटेड बताना है आपको कौन सा काम करेगा। तो जिन बच्चों ने आंसर किया है बी, बिल्कुल सही है उनका, बिल्कुल सही जा रहे हो आप सभी, ठीक है। तो जिनका आंसर बी है दैट इज करेक्ट, पेसमेकर। तो बच्चों आप सबको पता है कि हार्ट पे कौन काम करता है, पेसमेकर। और खुद हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एसए नोड प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है वो, राइट यूरिकल में प्रेजेंट होती है एसए नोड। कहाँ, राइट यूरिकल में आप बताओगे एसए नोड, जिसको नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। बट अगर प्रॉब्लम आती है उसमें तो किसका यूज करते हैं, पेसमेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेटल आयन्स इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। हमें आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मेटल जो है वो पाया जाता है। कल हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन। बट यहाँ आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मेटल, कौन सी एक धातु पाई जाती है। विच मेटल यानी कि कौन सी धातु पाई जाती है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन ए आपका यहाँ रहेगा कोबाल्ट, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीव्स में कौन सी धातु यानी कि मेटल प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारी लीव्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक धातु प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है, जो कि किसमें काम करती है, ब्लड को, सॉरी आपके प्लांट को कूलिंग देती है, ठीक है। और जब ज़्यादा सन रेज होती है, ज़्यादा लाइट होती है, आपको पता है कि जब लीफ जो येलो हो जाती है वो भी किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी आर्टिफिशियली इज, आपको बताना है कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जो एक्सक्रीशन क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो वो तो एक तो नेचुरली प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, बट आर्टिफिशियली किसके थ्रू करेंगे, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे किडनी के अंदर, तब हम आर्टिफिशियली किडनी में जिसको कहा जाता है उस पर वर्क किया जाता है। तो उसी पीछे भी क्वेश्चन आया था आपका कि हम पुट कर रहे थे किसी पेशेंट को किसके ऊपर, तो वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर बच्चों, शाबाश। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी आर्टिफिशियली इज स्पोरोडायलिसिस, पोरोसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर डायलिसिस। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए आप, जहाँ इलेक्ट्रोसिस लिखा है वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर, बताइए शाबाश। स्पोनोडायलिसिस, पोरोसिस, इलेक्ट्रो,
नेक्रोसिस या फिर डायलिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा डायलिसिस। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि किसी पेशेंट को अगर डायलिसिस पे रखा जाता है तो कौन सा जो आपका ऑर्गन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बॉडी का आर्टिफिशली, यानी कि आर्टिफिशियली किडनी जब काम करती है तो कौन से प्रोसेस पे करती है बच्चों, डायलिसिस के प्रोसेस पे। और ब्लड का फिल्टर हो रहा था हम क्या बोल देते हैं उसको, हीमोडायलिसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द मेटल विच इज स्टोर इन कैरोसिन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मेटल है जो कैरोसिन के अंदर स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए शाबाश। आपको बताना है कि द मेटल विच इज स्टोर इन कैरोसिन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। आपके पास 2 बार ऑप्शन आया है मैग्नीशियम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप बताइए, कौन सी मेटल ऐसी है जिसको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, बताइए शाबाश। काफी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम। तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं उसमें एक तो सोडियम और एक आपका पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम दोनों ही काफी सॉफ्ट मेटल होती है। कैसी मेटल होती है, सॉफ्ट मेटल। वैसे नॉर्मली कैसा नेचर होता है मेटल का, हार्ड, यानी कि मेटल सारी कैसी होती हैं, हार्ड होती है, स्ट्रोंग होती है। बट जो आपका सोडियम और पोटाशियम है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ यानी कि चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम और पोटाशियम को। और दोनों ही कैसी है जो कि आपकी कोल्ड वाटर से भी क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर इसको बाहर छोड़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, आग पकड़ जाती है। इसीलिए हम सोडियम को किस में डिप करके रखते हैं बच्चों, कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह नॉन मेटल रिएक्ट विद वॉटर द, आपको बताना है कि जब नॉन मेटल वॉटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर या फिर नन ऑफ दिस, बताइए शाबाश। कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वॉटर के साथ, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है, क्या होता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, या फिर नन ऑफ दीज। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर किया था सी कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता कौन, नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होता किसके साथ, वॉटर के साथ। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कि द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, आपको बताना है कि जो साउंड की पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड पर, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, बताइए शाबाश। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, साउंड की जो पिच है वो किस पर वर्क करती है, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, फटाफट से कमेंट कीजिए बच्चों। बस एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है आपका 14, आज की सीरीज में 14 ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर किसका रहता है। वेरी गुड, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने आंसर ए किया था, फ्रीक्वेंसी, उनका बिल्कुल सही है। जो साउंड होती है उसकी जो पिच है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी में। साउंड जब वेरी करती है तो साउंड किस में मेजर करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी में। और उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज उसकी यूनिट होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी साउंड है वो मैक्सिमम किस में होती है बच्चों, आप बताओगे, सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद किस में होती है, गैस के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए शाबाश इसका आंसर, फटाफट से आंसर कीजिए। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, आपको ह्यूमन के हियर की सॉरी ईयर की एक रेंज बतानी है कि किस रेंज में काम करता है हमारा जो ईयर है वो, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, less than 20 हर्ट्ज, more than 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज, बताइए शाबाश। हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, एक ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज है वो किस पर वर्क करती है, इजी क्वेश्चन है, बताइए शाबाश।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन का जो ईयर है वो 22-20,000 की जो रेंज है उसको क्या करता है, सुन सकता है। अगर 20,000 से अबो की जो रेंज होती है वो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट की, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी होती हैं कितनी, अबो 20,000, और बिलो 20 हर्ट्स। अगर 20 हर्ट्स के बिलो पूछा जाए कम, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है बच्चों, वो साउंड कौन यूज कर सकता है, तो आप बताओगे जो बैट होता है, बैट। और उस साउंड को कहते हैं इंफ्रासोनिक रेज, उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक रेज, जो सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं, बैट, चमगादड़ जो होते हैं। और 20 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो रेंज है वो आपके अल्ट्रासोनिक, और एक ह्यूमन की जो रेंज होती है एयर की वो 22-20,000 की होती है। तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किसने क्या स्कोर गेन किया है, बताइए शाबाश की हाईएस्ट मार्क्स किसने गेन किए हैं, आउट ऑफ 14 आपको बताना है, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं जैसे कि 10/14 या फिर 9/14 या फिर 14/14, तो कोई भी बच्चा है जिसने 14/14 मार्क्स गेन किए हो, बताइए सभी, सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो जिस बच्चे ने, हाँ जी, चलिए आज का सेशन यहीं तक था, अब मिलते हैं कल की क्लास में सेम इसी टाइम 8:30, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में।